क्या बताएं, कई बातें बड़ी व्यवहारिक हैं लेकिन उनको कहने में अच्छा नहीं लगता। हम लोग किसी भी गृहस्थ के घर जाते हैं तो वह अपनी सुख सुविधा का विचार किए बिना हमारी सुख सुविधा करता कि नहीं करता, स्वामी जी बताओ। करता है तो हम उसकी सेवा तो ले लेते हैं, और जब वो हमारे घर में आता तो हमारा घर माने हमारे रघुनाथ जी का घर, हमारे ठाकुर जी का घर, हमारे देवता का स्थान, हमारा गुरु परंपरा का मठ स्थान, वहाँ आता है तो हम उसको बिल्कुल भी सुविधा नहीं देना चाहते। क्यों? हम महात्मा हैं, वो दुनिया है। आपने उसके घर में जाकर सेवा ली है तो वह आया तो आप उसको अतिथि है, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, सर्वस्याभ्यागतो गुरुः, तो क्या हम उसका इतना आदर नहीं कर, भैया कहाँ से आए हो, बैठो आसन पर बैठ जाओ, जल पिएंगे, जल पी लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, अथवा अभी थोड़ी देर में भगवान को भोग लगने वाला है, प्रसाद पा लीजिए, और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, यहाँ क्या है। महाराज हम आपको बताएं, हमारे मलुक पीठ में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, स्वामी जी तो कई बार गए हैं, अच्छे अच्छे अमीर लोग ऐसे हॉल में पड़ जाते हैं आकर के, हॉल बड़ा हॉल है वहाँ, वो चाहें तो बड़े होटल में रुक सकते हैं, हॉल में पड़ जाते हैं अच्छे लोग। क्यों पड़ जाते हॉल में? उनके मन में प्रेम है, उनके मन में भाव है, उनके मन में श्रद्धा है कि हम वृंदावन आए हैं तो किसी पवित्र स्थान में हमको रहने का अवसर मिले, भगवत प्रसाद हमको मिले, होटल का भोजन न मिले, संतों के हाथ से बना हुआ भगवान को भोग लगा दिव्य प्रसाद हमें मिले, संतों का दर्शन हो, इसीलिए तो करते कि नहीं। तो हम सब जाकर गृहस्थों के घर में सेवा लेंगे और वो आ जाए ना स्थान में, तो महंत जी का कर्तव्य तो है कि उनको पूछें, स्थान में रहने वाले लोग कोई सब जगह की बात है, किसी की बुरा नहीं मानना, दूसरा नहीं पूछेगा, अरे हमें क्या, हम तो फक्कड़ हैं, हम साधु, हमें क्या लेना देना, ये दुनिया है, हम साधु हैं। अच्छी बात है आप साधु हैं, यहाँ मत रहिए, आप जंगल में चले जाए, किसी की सेवा मत लीजिए। यदि आप जगत से सेवा लेते हैं तो जगत को जगन्नाथ स्वरूप मानकर आपको सेवा करनी चाहिए, ये आपका धर्म है। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।